व्हाट्स अप एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। कैसे हो सब? हाँ तो चाचा, आज का ऑफर क्या है? वो चड्डी पे गड्डी फ्री क्लेम करने के लिए वीडियो पे 100 लाइक और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब। ओ चाचा, इतने लाइक होने नहीं वाले, ज्यादा फूक लिया क्या? चलो भाई, जो भी चाचा ने बोला वो कर देना। हम बढ़ते हैं आज के अपने बेस की तरफ। तो भाई साहब, जैसा कि आपको दिख रहा है, बहुत कॉमन बेस है और दिखने में बड़ा खतरनाक लगता है और बहुत लोग इसको अपना वॉर बेस लगाते हैं। पर इस बेस की एक सबसे बड़ी खामी है जो अभी आपको पता लग जाएगा। तो ये हम दो इन्फर्नो जो मल्टी सेट है, और ये है 4 रॉकेट, और ये है बीच में इसकी ईगल आर्टिलरी। दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी, वीडियो स्टार्ट करना भूल गया। तो आपने देख लिया होगा इस बेस की सबसे बड़ी खामी क्या है। हमने सिर्फ 2 अर्थक्वेक स्पेल गियर के कम से कम 8 चीजों को डैमेज पहुंचा चुके हैं, दोनों इन्फर्नो, 4 रॉकेट लॉन्चर और दोनों एयर स्वाइपर। क्योंकि जो अर्थक्वेक स्पेल होता है उसकी रेंज होती है 4.5 टाइल्स अपने रेडियस में, जहां गिरोगे वहां से। अपने पास 8 लाइटनिंग स्पेल है। अब देखो आगे क्या होता है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। तो भाई साहब, इसके बेस में मतलब रह क्या गया है? सिर्फ 4 एक्सबो और 1 ईगल आर्टिलरी। तो इसके फ्रंट में कोई ज्यादा डिफेंस है नहीं, सीधा सामने एक्सबो है। अगर हम फ्रंट के और लेफ्ट राइट को थोड़ा क्लीन कर दें तो हमारा जो स्टोन स्लैमर है वो सीधा सेंटर में जाएगा ईगल आर्टिलरी को टारगेट करने, जो हम चाहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अटैक। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चड्डी पे गड्डी फ्री। तो ये अटैक कैसा लगा कमेंट्स में बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सपोर्ट करो यार। अभी अभी बस स्टार्ट हो रहा है, आगे और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, लव यू ऑल। असली में असली हूं नो कैप, बीटों पे जंगली हूं नो कैप।